हेलो। अच्छा, थोड़ा एक बात देखिएगा, बड़ी इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी बात आपको हम बता रहे हैं। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर 4 के पावर कुछ भी रखा जाए, 4 के पावर आप कुछ भी रखिए, 4 पावर बस मतलब मोर देन वन, 2 रखिए, और इसको अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका हमेशा रिमाइंडर जो होगा ना बाबू, वो रिमाइंडर हमेशा 4 बचेगा। ये जो हम लिख रहे हैं रिमाइंडर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब कि शेष फल, ठीक है? समझ में आ रहा होगा बात। यह जो हमेशा 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 4 किसी को भी अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 4 मिलेगा, ठीक है? ये जानते रहिएगा, आप अपने चेक कर सकते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, 16 में 6 से भाग करेंगे 4 शेष फल बचेगा। फिर क्यूब कर लीजिए 4 के, लेकिन एक नहीं, मतलब 4 के पावर 1 नहीं, ठीक है, मोर देन वन। अब देखिए, इस आधार पे इस बार क्वेश्चन आया था, 2023 का है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। थोड़ा देखिए क्या है, शेषफल क्या होगा यदि 2 के पावर 192 को 6 से विभाजित किया जाए। ये यूपीएससी का है बाबू, ये जो क्वेश्चन है मैं आप लिख दे रहे हैं, यह जो क्वेश्चन है यूपीएससी का सी सेट का है, और एक क्वेश्चन है आपका 2023 का। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, शेषफल क्या होगा यदि 2 के पावर 192 को 6 से विभाजित किया जाए। बड़ी आसान है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना तो बहुत आसान है कि 4 के पावर कुछ भी रखेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 4 शेषफल बचेगा, रिमाइंडर होगा। अब देखिए 2 के पावर 192 है, इसको आप चाहें तो 2 के पावर 2 और इसके पावर आप आराम से लिख सकते हैं 96, एकदम आराम से लिख सकते हैं। और 2 के पावर 2 मतलब कितना होगा बाबू? 4। अब 4 के पावर कितना हो गया? 96 हो गया। अब 4 के पावर 96 को अब आप 6 से डिवाइड करेंगे, तभी आपको बताया गया कि 4 के पावर कुछ भी होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? 4 शेषफल बचेगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।